श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि इस बुधवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और इसी दिन किया गया 5 हरे मूंग वाला उपाय कभी विफल नहीं जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 4 मास होते हैं ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हरे मूंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 4 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक 5 हरे मूंग वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें, हम इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारण वर्ष अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेंगे। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 हरे मूंग वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो। इस बुधवार का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, बुधवार के दिन पर विशेषकर श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए
आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को गणेश जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए तिथि है और ये बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है, और फिर आपको ओम नम शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है, और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही, वो सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारे सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चरी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो,
बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेल पत्र है, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेल पत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जलपात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है, थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको दो दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे विशेष माना गया है। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, दो दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ मैं आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा
धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए ये सब सिद्ध उपाय है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 3 से 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। उपाय से लेकर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।